ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको यकीन हो कि वाकई ही इसमें ये सेल होती है इतनी महंगी। ठीक है, आपके जो भी साथ आए उन्होंने सब ने चेक कर लिया है, कोई बीमार तो नहीं है, माशाल्लाह, दोबारा चेक कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मनसब नबीयन फ़क्लु। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई, मेरी माएँ बहनें, जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको दोनों जहानों में इज्जतें और खुशियाँ अता फरमाए। ये हमारे गुजरात से बुज़ुर्ग हैं, इनका नाम है कुरबान अली। इनके दामाद हैं, जो कि उन्होंने मुझसे रब्ता किया था। कौन से मुल्क में होते हैं जी? अबू धाबी में। वहाँ से उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया ट्राइव सेट के लिए ना, यानी कि तीन मुर्गियाँ और एक मुर्गा। तो मैंने उनसे कहा भाई इसके लिए पहले तीन लोग पहले ना वो वेट में हैं, तो बात यह कि पहले जिससे ज़ुबान हुई है पहले उसको देंगे। ये मेरा नहीं है कि पहले दूसरा 10,000 ऊपर दे तो फिर उसको दे दूँगा। तो भाई कुरबान अली ने कहा जी मेरी तरफ़ से अभी डन है, मैं कह नहीं कल तक आप वेट करें। तो फिर जो साहिब इंतज़ार में थे और जिन्होंने मुझे वेटिंग में रखा हुआ था, तो वो उनके साथ मेरी डील ना हो सकी, वो कहते थे माल इधर पहुँचाएँ फिर आपको पेमेंट करेंगे। तो दूसरे का नंबर ऑफ था, तो इनसे फिर भाई कुरबान अली का नसीब, मैंने कहा जिसके नसीब में होगा उसको मिल जाएगा। तो फिर कल भी ये आए थे, जिन्होंने फिर मुझे कहा था हमारी तरफ से ओके है, तो आज ये लेने आ गए हैं। तो इनकी आप तीन मुर्गियाँ जो और एक मुर्गा है, अयाम सिमानी ग्रे ज़ुबान वाली, ठीक है, मैं ये क्लियर कर दूँ, ग्रे ज़ुबान वाली। काली ज़ुबान वाली भी इंशाल्लाह जब मैं उससे मुतमईन हो जाऊँगा तो वो भी हम लेकर आएंगे, वो भी सेल करेंगे। उससे हमारी दुश्मनी नहीं है, वो भी अल्लाह की मखलूक है, ये भी अल्लाह की मखलूक है। तो मैं उसको भी ये भी नहीं कहूँगा वो दो नंबर है या ये दो नंबर है, सभी अल्लाह की मखलूक है। तो जो लोग ये कहते हैं जी ये दो नंबर है, वो तो बस तकवार करें, अल्लाह की मखलूक को आप दो नंबर नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो कल भी मैंने जो बात उसने वीडियो में कहा था कि अंग्रेज़ इतना पागल नहीं है कि हर चीज़ एक नंबर यूज़ करता है। एक नंबर से मुराद है कि अच्छी चीज़, मोबाइल अच्छा, कोई भी चीज़ डेट एक्सपायर हो जाए तो वो भी यूज़ नहीं करते हैं। और वो दो नंबर चीज़ इस्तेमाल, दो नंबर से किसी साहब ने समझ लिया कि मैं हराम कह रहा हूँ, तो दो नंबर से चीज़ मुराद है कि वो हराम गोश्त खाते हैं, सूअर का, सूअर बीमार होगा उसका गोश्त भी वो नहीं खाएँगे। मेरा मतलब ये था कि वो जो गलत चीज़ होती है मसाल तो दो नंबर या बीमार चीज़ वो नहीं खाती है। तो अंग्रेज़ इतना पागल नहीं है कि एक नंबर चीज़ को छोड़कर उसको पता है काली नंबर एक वाली है और ग्रे ज़ुबान वाली दो नंबर है और इसको वो खा रहे हैं, इसको इस्तेमाल यानी कि वो बेच रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अंग्रेज़ चाहे वो नॉन मुस्लिम है लेकिन इस मामले में वो अच्छी चीज़ें बनाते हैं। मोबाइल हम उनका यूज़ करते हैं जी बाहर से आया है, घड़ी उनकी यूज़ करते हैं जी बाहर से आई है। तो ये कुछ लोगों ने कह दिया जी ये दो नंबर है, दो नंबर तो नहीं आप कह सकते, अल्लाह की ये भी मखलूक है। तो जी आपने मुर्गियाँ चेक कर ली हैं? हाँ जी। आपके जो भी साथ आए उन्होंने सब ने चेक कर ली हैं, कोई बीमार तो नहीं है? नहीं माशाल्लाह, दोबारा चेक कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, ये जनाब इनकी मुर्गियाँ हैं और ये मुर्गा है अयाम सुमानी यूरोपियन ब्रीड ग्रे ज़ुबान में। जी भाई कुरबान सब ठीक है? हाँ जी। आपने देख लिया सब कुछ ठीक है ना? ठीक ठीक है जनाब। तो आपसे जो वादा हुआ था उसके मुताबिक भाई जो सुहेल साहब हैं, ठीक है, तो उन्होंने जिस उनसे जो वादा किया था तो अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी और आज वादा पूरा हो गया। आपकी अमानत आप तक पहुंच गई है, ठीक है, आप लेके जा सकते हैं। हाँ। तो अगर कोई मैसेज देना चाहें हमारे जो चैनल में दो देखने वाले हैं। हाँ जी ठीक है, आपके साथ कोई गलत बयानी तो नहीं? नहीं नहीं इंशाल्लाह ठीक हो गया मामला। तो उसके अलावा जनाब मैसेज है कि कुछ दिनों तक इंशाल्लाह जो है ना, बाकी एक मैसेज ये सॉरी देना चाहता हूँ कि कॉल जो करते हैं ना यार, सुबह 7 बजे से लेकर 12:30 बजे तक जो टाइम है उसमें कॉलें आती हैं, मुझे पता है कितनी आती हैं। फिर मुझे मोबाइल ऑफ़ करना पड़ता है 12:30 बजे, फिर मैं वजू करता हूँ नमाज की तैयारी। तो जोहर के फिर 12:30 से लेकर इशा तक कोई कॉल नहीं किया करना, ना व्हाट्सअप पर ना सिम पे, क्योंकि वो नमाज़ का पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना, ऑनलाइन क्लास पढ़ाना, तो उसमें जब कॉल आती है तो वीडियो कॉल चाहती होती, मैं पढ़ा रहा होता तो वीडियो जो है ना कॉल वो पढ़ाने में डिस्टर्ब होता हूँ। तो इसलिए जो अभी 12:30 से लेकर इशा तक कॉल नहीं किया करें, इशा से लेकर इशा की नमाज के बाद इंशाल्लाह रात 12 बजे तक मैं आपकी कॉल रिसीव करूँगा। और जिनसे बात होती है वो जानते हैं कि मैं एक एक बंदे से डिटेल से आराम से बात करता हूँ, ठीक है। तो ये मैं इस चीज़ का ख्याल रखा करें, ठीक है, और इंशाल्लाह करीब 8-10 दिनों तक जो है पट्ठे पट्टियाँ आ रहे हैं 3.5 माह वाले, रिंग बर्ड्स भी आ रहे हैं और नॉन रिंग बर्ड्स भी आ रहे हैं। जो लोग वो ख़रीदना चाहते हैं रब्ता कर सकते हैं। दो में याद रखिएगा,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایام سیمانی آپ رکھیں جناب. آپ بھی ہم یہ بھی جو ہم نے پیئر شیئر کیا ہے الحمدللہ. یہ دیکھیں یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں پہلے, اب یہ اس طرح کی ویڈیو پہلے نہیں بنائی ہے, یہ اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ واقعی یہ ایام سیمانی میں اتنی انکم ہے, اللہ کا کرم ہے کہ کام الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے. یہ کوئی فراڈ نہیں ہے. 1500 کا انڈا سیل ہوتا ہے اور 4000 کا چوزہ سیل ہوتا ہے. بکنگ ہے میرے پاس 3.5 ماہ تک. اور لوگ کہتے ہیں انڈا سیل کریں, میں انڈا نہیں سیل کرتا ہوں. میں کیوں انڈا سیل کروں؟ 1500 کا انڈا سیل کرنا ہے, چوزہ 4000 کا میرا آلریڈی سیل ہو رہا ہے. تو یہ اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو کہ واقعی ہی اس میں یہ سیل ہوتی ہیں اتنی مہنگی. ٹھیک ہے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.